मेरे प्यारे छात्रों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, जिसमें ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन का कितना अहम योगदान है हमारे फिजिक्स में। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने कि इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, इंटीग्रेशन करते क्यों हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जल्दी से देख लीजिए, है ना, इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, है ना, नीड ऑफ इंटीग्रेशन पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे। बच्चों, इंटीग्रेशन 11th के लिए तो इसेंशियल है ही, जो बच्चे 12th में हैं या 11th में आए हैं सबके लिए इसेंशियल है, क्योंकि 12th में अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है चैप्टर नंबर 2, तो बहुत ज़रूरी का चीज़ है इंटीग्रेशन। तो सब लोग देखिए इस लेक्चर को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाबू, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में फंक्शन का या जो भी काम हम लोग करते हैं वो एक दूसरे का इन्वर्स होता है। किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में, जैसे एडिशन के लिए सब्ट्रैक्शन है, जोड़ेंगे तो उसका उल्टा घटाना होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए डिवीजन है, है ना, सबका उल्टा है, जोड़ का उल्टा घटाओ, गुना का उल्टा डिवाइड, 2 का स्क्वायर 4, तो √4 का वैल्यू 2 होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन जो है वो डिफ्रेंसिएशन का उल्टा है, है ना। तो ये तो बस डिफिनीशन है, लेकिन इंटीग्रेशन होता क्या है इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जाने। आज तो हम लोग जानेंगे इंटीग्रेशन, उसका कॉन्सेप्ट और फिजिक्स से जुड़े हुए सवाल। और चूंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन को रिजल्ट से लेना देना नहीं है, सिर्फ रिजल्ट से लेना देना है, प्रोसेस से लेना देना नहीं है, तो हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए लाएंगे आदित्याज हॉट ट्रिक AST। जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा तब तब आएगा मेरा ट्रिक, आदित्याज हॉट ट्रिक, उस पाप को खात्मा करने के लिए, नाश करने के लिए, है ना। जो आदित्याज हॉट ट्रिक है वो सबसे तेज, सबसे फास्ट, है ना, और सबसे तेजी लाने वाला आपके दिमाग में। तो सबसे पहले जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो क्या है इंटीग्रेशन? इज द इनवर्स या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। है ना, ये तो बस डिफिनीशन है, लेकिन मेन चीज हम लोग पिछले लेक्चर में जान गए थे कि इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों, इंटीग्रेशन करते क्यों। तो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंसिएशन। जैसे पिछले लेक्चर में बताए थे, डिफरेंशिएशन का मतलब वेरी स्मॉल चेंज, है ना, मतलब जब कोई चीज़ को तोड़ना है, छोटे छोटे पार्ट का बात करना है तो डिफरेंशिएशन, और छोटे छोटे पार्ट को जोड़ना है तो इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन मीन्स समेशन, जोड़ना, छोटे छोटे चीज़ को जोड़ना, इन्फाइनाइट छोटे छोटे चीज़ को जोड़ना। इंटीग्रेशन का ये क्या है सिंबल, इंटीग्रेशन का उल्टा डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन मतलब हंसुआ छाप बराबर 1/ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बराबर 1। इंटीग्रेशन इनवर्स प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का, तो इंटीग्रेशन बराबर 1/ डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बराबर 1। यानी अगर आप किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो फिर उसका इंटीग्रेशन करो, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का वैल्यू 1 होगा। कोई भी क्वेश्चन को आप डिफरेंशिएट करो फिर उसको इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट का जो वैल्यू होगा साथ में मिलकर 1 देगा। क्लियर? अब सिंपल सोचो, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx, x का वेरी स्मॉल चेंज dx, मतलब x का डिफरेंशिएशन dx, तो dx का इंटीग्रेशन x। सिंपल, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स और रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन dx, तो dx का इंटीग्रेशन x, या ये दोनों मिलके 1 हो गया ना, इंटीग्रेशन इनटू डिफरेंशिएशन 1, तो ये दोनों 1 हो गया, बच गया x। क्लियर? चलिए अब हम लोग फार्मूला के माध्यम से इंटीग्रेशन को जानते हैं, किस किस फार्मूला को जानेंगे कि हमारा इंटीग्रेशन अच्छा हो जाएगा, फिजिक्स में काम आएगा। और इसके लिए हम लोग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का भी रिवीजन कर लेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को साथ में देखते हैं, ठीक है।
सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले. पहला, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, है ना. बस उल्टा कर देना. देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, तो डीएक्स को यहां ले आओ, डीएक्स यहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स. सिंपल सिंपल सोचो, डिफरेंशिएशन में डीएक्स बट्टे में होगा, तो इंटीग्रेशन में डीएक्स मल्टीप्लाई में होगा. दोनों एक दूसरे का उल्टा है. डिफरेंशिएशन में डीएक्स बट्टे में होगा, तो इंटीग्रेशन में डीएक्स मल्टीप्लाई में होगा. इसलिए बोलेंगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में साइन एक्स. और जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे सी लिख देंगे. इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं. आज जो पढ़ेंगे वो होगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और अगले लेक्चर में जानेंगे डिफिनिट इंटीग्रेशन. अब ये इनडिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है और यहाँ पे हम सी क्यों लिखते हैं. सी को बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट. आइए समझते हैं क्या है सी. देखो ध्यान से, मान लो अगर हम बोले एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 2x होगा. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स में 2x होगा. क्यों भैया, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है. पावर मल्टीप्लाई में पावर माइनस वन, तो 2 माइनस वन 1 हो जाता है. इसलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. तो क्या हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर एक यूनिक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 2x होगा. नहीं, गलत हो जाएगा बोलना. क्यों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन x में भी 2x होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0 हो जाएगा. डी, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन x में भी 2x ही होगा. एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0 होगा. यानी एक्स स्क्वायर यूनिक फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन 2x होगा. यानी ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ढेरों सारा एग्जाम्पल हो सकता है, इनफाइनाइट एग्जाम्पल हो सकता है जिसका डिफरेंशिएशन 2x होगा. मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है. जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x. यानी यहाँ पे 1 कांस्टेंट है. यानी कोई ना कोई कांस्टेंट है जो इनडिफिनिट है. जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 2x, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है. कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो जहाँ पे कुछ भी हो सकता है वो क्या होता है, डिफिनिट या इनडिफिनिट. इसलिए ऐसे इंटीग्रेशन को इनडिफिनिट बोलते हैं. अब और एग्जाम्पल से समझाते हैं. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस 7 का डिफरेंशिएशन एक्स में क्या होगा बताओ. साइन एक्स का कॉस एक्स और 7 का 0, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0. तो बताओ कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा. साइन एक्स प्लस 7 का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा. कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, और सी की जगह 7 हो जाएगा. इसका मतलब है कि साइन एक्स यूनिक फंक्शन नहीं है जिसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा. साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस 7 का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स प्लस 70 रहता तो भी कॉस एक्स. मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट है जो इनडिफिनिट है. क्लियर. इसलिए हम लोग बोलेंगे कॉस एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट. अब कॉन्स्टेंट की जगह 7 हो, 70 हो, 700 हो, 7000 हो, 7 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है. बात समझ में आना कि सी क्यों लिखते हैं. कि भैया साइन एक्स एक यूनिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर ये यूनिक फंक्शन रहता तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता. साइन एक्स में साइन एक्स प्लस 7 लिखो, साइन एक्स प्लस 10 लिखो, साइन एक्स प्लस 10 का भी डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा. मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट है जो इनडिफिनिट है, इसलिए इस कांस्टेंट को यहाँ पे लिख देते हैं. क्लियर.
नेक्स्ट डी कॉस एक्स बाय डी एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। अब माइनस यहां रखो चाहे यहां रखो, माइनस यहां ले आओ तो यहां से माइनस हटा दो, अब प्लस सी बाबू लिखना पड़ेगा। अगर आप सी नहीं लिखते हो तो इंटीग्रेशन गलत हो जाएगा, ये बात को ध्यान रखना। समझ रहे हो ना कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और cos x प्लस 12 का भी डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। तो वो 12 क्या है, इनडिफिनिट है, तो उस इनडिफिनिट के लिए हम लोग एक कॉन्स्टेंट का यूज करते हैं और सी लगा देते हैं। क्लियर, उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये बात। नेक्स्ट डी टेन एक्स बाई डी एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन 10x, और क्या करेंगे प्लस सी लिख देंगे जहां सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। sec x dx का है डिफरेंशिएशन sec x 10x, तो sec x इंटू 10x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस सी, है ना। मान लो हम बोलेंगे डी कॉट एक्स डी एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हम बोलेंगे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, है ना। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन ये, है ना, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, एक दूसरे के उल्टा है, है ना। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स, तो माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स। बात रहा माइनस का, तो माइनस यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, माइनस को यहां ले आओ, यहां से माइनस हटा दो, अब प्लस सी तो भैया लिखना ही पड़ेगा। क्लियर, और देखते हैं कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होता था, माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स। क्लियर, अब माइनस यहां नहीं रखो, यहां रखो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस तुम यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, प्लस सी लिख दो, ठीक है। अब हम लोग पावर फंक्शन पे आते हैं, बताओ डी एक्स टू दी पावर एन बाय डी एक्स, डिफरेंशिएशन में जब पावर फंक्शन हो तो क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई में एक्स पावर माइनस वन, पढ़ाए थे ना डिफरेंशिएशन के लेक्चर वन में, उसी प्रकार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर एन डी एक्स हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, प्लस सी लिख दो। क्लियर, यानी जैसे एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन ये वाला टर्म, तो एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन हो जाता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। क्लियर, चलो अब हम समझाते हैं इस चीज को और क्लियर करते हैं, एस टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन, एस टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, यानी जो भी पावर रहेगा पावर प्लस वन बाय पावर प्लस वन, तो अगर एस टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन एस टू दी पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन, तो हम बोल सकते हैं कि अगर एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन एस टू दी पावर एन ही मिलेगा। हम इस चीज को आपको चेक करवा देते हैं, है ना, चलो चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए डिफरेंशिएशन एस टू दी पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन बाय डी एक्स, इसको चेक करेंगे। क्लियर, तो चेक करने के लिए ध्यान से देखो, एक्स के रिस्पेक्ट में ये पूरा को डिफरेंशिएशन करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जो ये एन प्लस वन है वो तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा, तो वन बाय एन प्लस वन बाहर आ गया, बचा एस टू दी पावर एन प्लस वन,
तो x के रिस्पेक्ट में s टू दी पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में x टू दी पावर n प्लस वन का डिफरेंशिएशन पावर मल्टीप्लाई में, क्योंकि x का पावर n प्लस वन और x लिखेंगे, अब जितना पावर उसमें से एक घटा देंगे तो n प्लस वन माइनस वन। अब बताओ ये कट गया, ये कट गया, क्या आया? एस टू दी पावर एन आया। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी टर्म का अगर डिफरेंशिएशन ये है तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा कोई भी फॉर्मूला में, किसी भी क्वेश्चन में, है ना, कि फलाने का डिफरेंशिएशन चिलाना होगा तो चिलाने का डिफरेंशिएशन, फलाने का डिफरेंशिएशन चिलाना होगा तो चिलाने का इंटीग्रेशन फलाना होगा। समझा हलाना? तो सिंपल सोचो, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये वाला टर्म होगा तो ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n होगा। यहाँ हम आपको चेक कर भी दिए कि डी x टू द पावर n प्लस वन बाई एन प्लस वन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो वन बाई एन प्लस वन कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिए, बचा x टू द पावर n प्लस वन। अब x टू द पावर n प्लस वन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो n प्लस वन पावर है, पावर मल्टीप्लाई में, x है तो x लिखेंगे, अब पावर में से एक घटा देंगे तो n प्लस वन पावर है माइनस वन घटा देंगे, तो वन से वन कट गया, इससे ये कट गया, बच गया। अब देखो ये जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का, इस फार्मूला में तभी वैलिड है जब n का वैल्यू माइनस वन के बराबर ना हो, यानी इंटीग्रेशन का ये फार्मूला तभी वैलिड है जब n माइनस वन के बराबर ना हो। क्लियर? अब इसमें एक दो और हैं, चलो हम लिख देते हैं, है ना, हमारे पास जगह है, है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं बाबू, अच्छे से आप अच्छे से एडजस्ट करके लिख लेना, सेवन के बाद है एट, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, क्या बोलते थे इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो बताइए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x, आप प्लस ही लिख दो, ठीक है। ये हो गया एट नंबर, नाइन्थ, डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता था, वन बाय x, log x का डिफरेंशिएशन वन बाय x, तो इंटीग्रेशन वन बाय x, वन बाय एक्स डी एक्स लिखो चाहे डी एक्स बाय एक्स लिखो, ये क्या हो जाएगा, है ना, log x प्लस सी। या है ना, log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में वन बाय एक्स, तो वन बाय एक्स, वन बाई एक्स डी एक्स लिखो, है ना, वन बाई एक्स इंटू डी एक्स, या डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस सी। सी क्यों लिखते हैं ये बात तो समझ में आ गया। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे फिजिक्स में इस फार्मूले का है, जो पावर फंक्शन है एस टू दी पावर एन, जैसे डिफ्रेंशिएशन में भी ये यूज होता था तो इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा यही यूज होगा। सात नंबर, आठ नंबर भी यूज होता है, नौ नंबर भी यूज होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज सात नंबर का है, पावर फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे फिजिक्स में। क्लियर? तो सभी फार्मूला को एक बार देख लीजिए, पहले भी बता दिए हैं, अब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग रूल्स फॉर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो देखो इसमें पहला है इंटीग्रेशन ऑफ ए एफ एक्स डी एक्स। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट है तो ए बाहर ले लो, तो इंटीग्रेशन किसका होगा, फंक्शन ऑफ एक्स का होगा, एफ एक्स डी एक्स का होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ नाइन कॉस एक्स डी एक्स। तो जैसे ए एफ एक्स डी एक्स में ए कॉन्स्टेंट है, ए बाहर ले लिए और एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेशन के अंदर रखे, सिमिलरली ए का काम नौ कर रहा है तो नौ बाहर कर लिए, बचा क्या, कॉस एक्स डी एक्स। तो 9 cos x dx, cos x का इंटीग्रेशन sin x, आप प्लस सी लिख देंगे, इंटीग्रेशन कर लो सी लगा दो। क्लियर? हमेशा भूलना नहीं, इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, और कहाँ तक, मान लो इनफाइनाइट टर्म तक है, सबको x के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ओके।
इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लो एग्जांपल है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो पहला नियम तो है कि अलग अलग कर लो, एक बार हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। चलो कर देते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, बीच में प्लस रहे तो प्लस दे दो, माइनस रहे तो माइनस दे दो। यहाँ देखो u प्लस माइनस v प्लस माइनस w प्लस माइनस डॉट डॉट इन्फाइनाइट डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन u डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन v डी एक्स, है ना, प्लस माइनस इंटीग्रेशन w डी एक्स, कहाँ तक, इन्फाइनाइट तक, जितना भी टर्म रहे। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, बीच में माइनस रहे तभी चलेगा, प्लस रहे तो भी चलेगा, दोनों के लिए नियम सेम होगा, अलग अलग कर लेंगे। तो साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि डी एक्स तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। चलो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी साइन एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। आप लिस्ट देख लो फॉर्मूले का, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी, है ना। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये रिजल्ट लाने के बाद सी लगा दो, ठीक है। अब इसमें और सारे फार्मूला हैं कि e टू दी पावर x का डिफरेंट फॉर्म दे देगा तो कैसे बनाएंगे, लॉगरिथमिक को और फॉर्म में दे देगा जैसे e के पावर ax प्लस b दे देगा तो कैसे बनाएंगे, है ना, dx बाय 2x प्लस 3 दे देगा तो कैसे बनाएंगे। और जब लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, उसका पावर दे देगा, इन्फाइनाइट टर्म तक फंक्शन उसका पावर दे देगा तो हम लोग कैसे बनाएंगे, इस सब पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं बारी बारी से, क्लियर। तो पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आते हैं टाइप वन टाइप टू प्रॉब्लम पे, जिसको हम लोग आदित्याज हॉट ट्रिक से करेंगे, ठीक है बाबू। तो इंटीग्रेशन द फॉलोइंग, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स, तो जो पावर में रहे ना, तो पावर प्लस वन बाई पावर प्लस वन, है ना, सिंपल कर दो तो एक्स टू दी पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस सी कर दो। पावर पांच रहे तो एक्स टू दी पावर फाइव प्लस वन बाई फाइव प्लस वन कर लो, सिंपल फार्मूला से। मान लो थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो बाबू जात में जात मिल गया, ये कॉन्स्टेंट हो गया, यानी याद रखना इंटीग्रेशन उसी का होगा जिसमें जात में जात मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर का जात है डी एक्स, तो जो डी एक्स का जात होगा ना उसी का इंटीग्रेशन होगा, बाकी कांस्टेंट हो जाएगा, तो थ्री कांस्टेंट हो गया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स थ्री बाई थ्री, क्यों, पावर टू है, तो पावर टू है तो पावर प्लस वन बाई पावर प्लस वन, टू प्लस वन थ्री बाई थ्री हो जाएगा, कट गया तो एक्स थ्री प्लस सी। सिंपल याद रखना dx का जो जात होगा, dx का जात है x तो ही इंटीग्रेशन होगा। अब dx के जात में अगर कोई और आ जाएगा दूसरे जात का तब इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा, जैसे यहां पे y हो गया तो सीधे y उतर जाएगा, y वहां पे कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई एक्स स्क्वायर dx, तो बताओ dx के जात का कौन है, एक्स स्क्वायर, फोर बाहर निकल जाएगा, x टू दी पावर माइनस टू डी एक्स, नीचे पावर प्लस ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा। 4 क्यों पावर बाहर हुआ, क्योंकि dx के जात का x स्क्वायर, तो जो dx के जात का होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा, ये बात को ध्यान रखना। तो 4 x के पावर माइनस टू, तो माइनस टू प्लस वन बाई माइनस टू प्लस वन, जो पावर रहे प्लस वन कर लो, नीचे भी वही चीज लिखो, ठीक है, 2 है तो 4 x टू दी पावर माइनस टू प्लस वन, माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन, इसका क्या मतलब हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स, यानी माइनस फोर बाई एक्स प्लस सी। अरे माइनस वन बाई एक्स होगा ना, एक्स टू दी पावर माइनस टू प्लस वन, तो एक्स टू दी पावर माइनस वन, और नीचे भी माइनस वन, माइनस ऊपर चला गया, ठीक है, तो माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा। चलो और सारा क्वेश्चन करते हैं इस पर। मान लो हम क्वेश्चन ले लिए,
इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। रूट का मतलब पावर वन बाई टू, रूट का मतलब पावर वन बाई टू कर लो। अब एक्स टू दी पावर वन बाई टू प्लस वन बाई वन बाई टू प्लस वन, एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू, वन प्लस वन बाई टू हो जाएगा थ्री बाई टू, और नीचे भी थ्री बाई टू होगा। नहीं, वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, वन बाई टू प्लस वन थ्री बाई टू, अब थ्री बाई टू पर जाके क्या हो जाएगा टू बाई थ्री, थ्री बाई टू को ऊपर ले जाओगे टू बाई थ्री, एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू प्लस सी हो गया। क्लियर? अब ध्यान से देखो और सारा क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे मान लो इंटीग्रेशन x3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 रहे dx, है ना, स्टार करके क्वेश्चन को लिखते हैं। अब नियम क्या है, अलग अलग लिखो। इंटीग्रेशन ऑफ x3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx, अलग अलग करके लिखो। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिजिक्स में रिजल्ट से लेना देना है, प्रोसेस से नहीं। बताओ x3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x4 बाई फोर, सिंपल। पावर जितना रहे ना एक बढ़ा के उतना ही लिख दो। पावर 1 रहे तो 2 बाई टू कर लो, 3 रहे तो 4 बाई फोर कर लो। पावर मौसा रहे तो मौसा प्लस 1 बाई मौसा प्लस 1, क्योंकि फार्मूला ही ऐसा है। पावर 3 है तो पावर प्लस 1 बाई पावर प्लस 1, तो 3 का मतलब 4 बाई फोर हो जाएगा। चलो 3 कांस्टेंट रह जाएगा और x3 का मतलब 3 बाई थ्री, 4 कांस्टेंट x dx। कहोगे सर समझ में नहीं आया, तो इसको तुम डिटेल में करना चाहते हो तो लो डिटेल में कर देते हैं, लेकिन फिजिक्स में डिटेल से कोई लेना देना नहीं। x3 dx प्लस 3x स्क्वायर dx प्लस 4x dx प्लस 6 dx, अलग अलग कर लिए। अब तोड़ो इसको, इस पूरे का इंटीग्रेशन x4 बाई फोर प्लस, मान लो एक जगह माइनस रहता है यहाँ, तो यहाँ भी माइनस, तो आंसर में भी यहाँ माइनस दे देंगे। इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या बोले थे, इंटीग्रेशन उसी का होगा जो जात का होगा, dx के जात का x स्क्वायर, थ्री नहीं है तो थ्री वैसा ही रह जाएगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3 बाई थ्री, जितना पावर रहे ना बेटा एक बढ़ा के उतना ही नीचे लिख दो, प्लस 4x dx। तो बताओ dx के जात का कौन है x, dx के जात का x, तो 4 ऐसे ही उतार दो, x dx, x का पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1, 1 है तो क्या हो जाएगा 2 बाई टू, प्लस dx के जात का है 6 नहीं तो 6 ऐसे ही हो जाएगा, जो dx के जात का होगा, है ना। जैसे अगर इंटीग्रेशन है t स्क्वायर dt, तो ये t स्क्वायर dt के जात का है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t 3 बाई थ्री, पावर 2 है तो एक बढ़ा दो और नीचे वही चीज लिख दो। इंटीग्रेशन y स्क्वायर dy, तो ये y स्क्वायर dy के जात का है, तो y स्क्वायर का y 3 बाई थ्री। अगर इंटीग्रेशन ऑफ हम लिख दें t स्क्वायर dx, तो dx के रिस्पेक्ट में t स्क्वायर कांस्टेंट है, तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होगा, t स्क्वायर उसे ही उतर गया है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो t स्क्वायर x हो जाएगा। आप प्लस सी लिख दोगे सब में, सब में प्लस सी लिख दोगे। dx के जात का t स्क्वायर नहीं है, तो t स्क्वायर उसे ही उतर जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन होगा dx का x हो जाएगा। क्लियर? वही चीज यहां पे हो गया, dx के जात का 6 नहीं है तो 6 उतार दो, और dx का इंटीग्रेशन x, प्लस सी लिख दो, हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर? अगर पापा का इंटीग्रेशन करना है तो पापा इंटू डी पापा, तो डी पापा का जात पापा है, तब पापा का इंटीग्रेशन होगा। क्लियर? तो अगर मान लो ऐसा ऐसा फंक्शन रहेगा तो आप कर लोगे इंटीग्रेशन, बिल्कुल कर लोगे। जैसे आदित्य और ट्रिक वन क्या है, लिखो सटाओ बट्टे में करो,
लिखो सटाओ बट्टे में करो, लिखो सटाओ बट्टे में करो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ है ना कॉस 2x dx, तो लिखो मतलब पहले टर्म का इंटीग्रेशन, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सटाओ का मतलब उसके बाद क्या है 2x तो सटा दो, बट्टे में करो मतलब डिफरेंशिएशन करके बट्टे में करो, डिफरेंशिएशन करके, डिफरेंशिएशन करके बट्टे में करो, तो किसका डिफरेंशिएशन 2x का, 2x का डिफरेंशिएशन 2, आप प्लस सी लिख दो, सी तो लिखना है, सी जन्मजात लक्षण हो गया, समझ गया ना, लिखो मतलब पहले का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सटाओ तो 2x को सटा दो, बट्टे में करो मतलब डिफरेंशिएशन करके बट्टे में करो, किसका 2x का, 2x का डिफरेंशिएशन 2। और एग्जांपल देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस 3 dx, क्लियर, क्या बोले हैं, लिखो पहले का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सटाओ जो टर्म बच गया उसको सटाओ, क्लियर, और जिसको सटाए हो उसको डिफरेंशिएट करके बट्टे में करो, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3 का 0, 4x का 4, आप प्लस सी लिख दो, बात समझ में आया, तो जब इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसको आदित्य और ट्रिग वन से बनाएंगे, और इसका लैंग्वेज क्या हो गया, लिखो सटाओ बट्टे में करो, तो जो भी रहेगा उसका क्या करोगे, ऐसे बनाओगे, पहला टर्म का इंटीग्रेशन करो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, उसके बाद जो टर्म रहेगा उसको सटा के लिख दो, और जिसको सटा के लिखो ना उसको डिफरेंशिएशन करके बट्टे में करो, 2x का डिफरेंशिएशन 2, सिंपल। और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 3x प्लस 6 dx, 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x, तो 10 लिख दो, सटा के लिख दो 3x प्लस 6 को, सटा दिए, क्या है आदित्य हॉट ट्रिक एएसटी, लिखो सटाओ बट्टे में करो, बट्टे में करो मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन करके बट्टे में करो, तो सिंपल, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, सटाओ 3x प्लस 6 को सटाओ, और 3x प्लस 6 को डिफरेंशिएट करो, तो 6 का 0 और 3x का 3 लिख दो प्लस से, क्लियर। और एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स, कितना लंबा चौड़ा फंक्शन है उसे कोई लेना देना नहीं, तो क्या है आदित्याज हॉट ट्रिक, लिखो पहले टर्म का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन, सटाओ इसके बाद जो भी है सटाओ, तो सटा के लिख दो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बट्टे में करो मतलब जिसको तुम सटाए हो इसको बट्टे में करो, क्या करके बट्टे में करो, डिफरेंशिएशन करके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, ए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2ax, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बी एक्स का हो जाएगा b, जैसे 4x का 4, 3x का 3, तो bx का b, और c का 0, c कांस्टेंट है, हो गया आंसर। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा लिखो सटाओ बट्टे में करो, मतलब लिखो सटाओ डिफरेंशिएशन करके बट्टे में करो, पहला टर्म का इंटीग्रेशन कर लेना, उसके बाद जो भी बचा सटा के लिख दो, और जिसको सटा कर लिखो ना उसको डिफरेंशिएट करके बट्टे में कर दो, क्लियर है, बन जाएगा, क्लियर। चलिए अब हम लोग एक्सपोनेंशियल पावर पर आदित्याज हॉट ट्रिक करते हैं, यानी एक्सपोनेंशियल पावर को जब डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन होगा तो आदित्याज हॉट ट्रिक से कैसे बनाएं, तो ये होगा आदित्याज हॉट ट्रिक 2, क्लियर। पहले क्वेश्चन से समझाते हैं, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डी एक्स, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, ये तो फार्मूला हो गया, अब इसी में रहता 5x ई टू दी पावर 5x, क्लियर। तो देखो क्या करते हैं,
जस का तस, जस का तस, जो है उतार दो। जस का तस मतलब जो भी क्वेश्चन है ना उतार दो, ठीक है। तस का डिफरेंशिएशन करके बट्टे में करें, तस का डिफरेंशिएशन करके बट्टे में करें, तो 5x का डिफरेंशिएशन 5 बट्टे में करो, सी लिख दो। और एग्जांपल देखते हैं, e टू द पावर ax प्लस बी डी एक्स, जस का तस मतलब सेम टू सेम, अगर e के पावर में कुछ भी रहे तो सेम टू सेम उतार दो, e टू द पावर ax प्लस बी, तस का डिफरेंशिएशन करके बट्टे में करें। तस मतलब क्या बताए थे, पावर, तस मतलब आदित्याज स्टाइल में क्या होता है, पावर। तो जब भी इंटीग्रेशन में e का पावर कुछ भी रहे तो क्वेश्चन को सीधे उतार दो और जो पावर रहे उसको डिफरेंशिएशन करो x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, b का जीरो और ax का a, यहां सी लिख दो, हो गया। और एग्जांपल लें, इंटीग्रेशन e के पावर cos ax प्लस बी डी एक्स, तो जो e के पावर कुछ भी रहे, e के पावर है cos ax प्लस बी, ठीक है। जस का तस मतलब सेम टू सेम उतार दो, सेम टू सेम उतार दो, e का पावर cos ax प्लस बी है, सेम टू सेम उतार दो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, है ना, क्या है नियम आदित्याज हो, ठीक है, जस का तस मतलब सेम टू सेम जैसा वैसा उतार दो, तस का डिफरेंशिएशन करके बट्टे में करें, और तस मतलब पावर, तो ये जो पावर है ना इस पावर को डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करके बट्टे में करो। यहाँ पे दो नियम हो गया, डिफरेंशिएशन या तो डायरेक्ट कर लो या अलग कर लो। अब कॉस एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन ए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहोगे सर ये तो हम डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, तो रे बेवकूफ इसको अलग से कर लो, बताओ कॉस ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स के रिस्पेक्ट में, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, याद करो डिफरेंशिएशन में आदित्याज हॉट ट्रिक वन, कॉस एक्स प्लस बी का जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था तो आदित्याज हॉट ट्रिक वन क्या था, लिखो सटाओ हटाओ, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन मतलब लिखो, लिखो मतलब पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, उसके बाद जो बचा सटा दो, तो एक्स प्लस बी को सटा के लिख दो, है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, उसके बाद जो बचा उसको सटा के लिख दो, जिसको सटाए हो उसको हटाओ, हटाओ का मतलब इस टर्म को डिफरेंशिएशन करके लिखो, एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन एक्स में, बी का जीरो एक्स का ए, हो गया। या तो तुम डायरेक्ट लिख दो या इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन अलग करके लिख दो। तो जब भी e का पावर रहेगा, कुछ भी रहेगा क्वेश्चन, कुछ भी रहेगा, तो e का पावर जब भी रहेगा सेम टू सेम क्वेश्चन को उतार दो, जस का तस मतलब सेम टू सेम, एकदम हूबहू कोई छेड़छाड़ नहीं, तस का डिफरेंशिएशन करके बट्टे में लिखो, तस मतलब पावर, मतलब जो पावर है उस पावर को डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन करके जो आंसर आएगा, जैसे हम डिफरेंशिएशन अलग से करके नीचे लिख दिए, और अगर आपको पीछे वाला लेक्चर सब क्लियर है तो बेटा डायरेक्ट लिख दो, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट करते हैं, और ये हो जाएगा आदित्याज हॉट ट्रिक 3, क्लियर। देखिए ध्यान से इसमें क्या है, जैसे मान लो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई टू एक्स प्लस थ्री रहेगा, तो जो भी बट्टा में रहे, जो भी बट्टे में रहे, बट्टा मतलब डिवाइड, जो भी बट्टे में रहे, तो बट्टे में है ना, इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता था, इंटीग्रेशन वन बाई टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स, दोनों में कोई अंतर है बेटा, नहीं, dx by 2x plus 3 लिखो चाहे 1 by 2x plus 3 into dx लिखो, दोनों तो एक ही क्वेश्चन रहे। तो लैंग्वेज क्या है आदित्याज और ट्रिक 3 का, जो भी बट्टे में रहे,
जो भी बट्टे में रहे डिवाइड में रहे, क्लियर। चलो लॉग एक्स के बाद उसे लिखो, लॉग एक्स है ना 2x + 3, जो भी बट्टे में रहे लॉग एक्स के बाद लिखे, जिसको लिखे हैं, जिसको लिखे हैं, जिसको लिखे हैं उसे डिफ्रेंशिएट करके, उसे डिफ्रेंशिएट करके बट्टे में लिखे, जो भी बट्टे में रहे, मतलब जब भी इंटीग्रेशन में क्वेश्चन बट्टे में रहेगा लॉग एक्स के बाद लिखे कुछ भी, जैसे मान लो डीएक्स बाई पापा तो लॉग एक्स पापा, ठीक है, और यहां पे एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, एक्स के जगह तो 2x + 3 है, हटाओ, सीधे लॉग के बाद लिखेंगे, लॉग के बाद लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। जो भी बट्टे में रहे लॉग के बाद लिखे, जैसे dx बाई पापा तो लॉग पापा, कहोगे सर ये क्या है, तो ये बउआ नेचुरल बेस होता है जो हम आने वाले लेक्चर में समझाएंगे, ऐसे लॉग ई या ln भी लिखते हैं, है ना, इसको ऐसे ही लिखना, लॉग भी लिखा जाता है, लॉग ही लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये ई क्या होता है समझाएंगे, समय आने दो, ठीक है। चलो तो जो भी बट्टे में रहे लॉग के बाद लिखे, जिसको लिखे हैं उसे डिफ्रेंसिएशन करके बट्टे में लिखे, तो 2x + 3 का डिफ्रेंसिएशन x में, 3 का 0 2x का 2 प्लस से लिख हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय 4x + 3, ठीक है, तो लॉग 4x + 3 जो भी बट्टे में रहेगा ना उसको लॉग के बाद लिखो, और जिसको लिखे उसको डिफ्रेंशिएट करो, 3 का 0 4x का 4 हो गया, खत्म, कहानी समाप्त, है ना। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन dx बाय है ना ले लो a - x, कुछ नहीं करना है, लॉग a - x जो भी बट्टे में रहे, जो भी बट्टे में रहे लॉग के बाद लिखो, आ जिसको लिखे उसको डिफ्रेंशिएट करके बट्टे में लिखो, a माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन x में, तो a का 0 क्योंकि a कांस्टेंट हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और x का x में 1 तो माइनस एक्स का x में माइनस 1 प्लस ही हो गया, और माइनस को तुम ऊपर भी ले जा सकते हो, खत्म, है ना। जैसे dx बाई मामी तो लॉग मामी, मामी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0, डीएक्स बाई मौसा लॉग मौसा, है ना, जो भी बट्टे में रहे लॉग के बाद लिखो उसे। एक और एग्जांपल लेते हैं, डीएक्स बाई ठीक है साइन एक्स, तो जो भी बट्टे में रहेगा तो लॉग के बाद लिखो, लॉग साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को बट्टे में लिखेंगे प्लस सी हो गया, क्लियर। मान लो आ रहा था डीएक्स बाई कॉस एक्स, तो लॉग कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता, तो क्या ध्यान रखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन में जो भी बट्टे में रहेगा, मतलब क्वेश्चन देखना, जो भी बट्टे में रहेगा लॉग के बाद लिखे उसको, लॉग के बाद लिख देना, एकदम लॉग लिख देना, ऐसे लॉग लिख देना, आ उस चीज को यहां पे लिख देना, इसको डिफरेंशिएट करके बट्टे में लिख देना, तो जब भी बट्टे में रहे उसको लॉग के बाद लिख दो, उस टर्म को डिफरेंशिएट करो और बट्टे में लिख दो, ठीक है। फिर से सुनो, जब भी क्वेश्चन बट्टे में रहे लॉग के बाद लिखो, जिसको लिखे हो उसको डिफरेंशिएट करके बट्टे में लिखो, सी लगा दो, ठीक है। चलो अब हम लोग, जब इनफाइनाइट टर्म्स पर पावर रहे,
है ना, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस पर पावर रहे, या ए एक्स फोर प्लस बी एक्स थ्री प्लस सी एक्स स्क्वायर, इनफाइनाइट टर्म्स पे पावर रहे, तब कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे? आइए हम उसका आदित्यज हॉट ट्रिक बताते हैं। इसको बोलेंगे आदित्यज हॉट ट्रिक फोर। तो पहले क्वेश्चन से समझते हैं, फिर लैंग्वेज लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 का पावर 3 dx। देखो इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है उसे जस का तस उतार दो, क्वेश्चन को जस का तस उतार दो, 6x प्लस 2 को उतार दो, पावर जितना रहे एक बढ़ा दो, जितना रहे एक बढ़ा देना, 3 रहे तो 4। इस 4 को मन में रखना, इसका डिफ्रेंशिएट करो, 2 का 0 6x का 6, और जो पावर मन में है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 24 प्लस सी। बात आई समझ में? जो भी क्वेश्चन रहे उस क्वेश्चन को सेम टू सेम लिख दो, पावर जितना रहे एक बढ़ा दो, उस पावर को मन में रखो, जो बढ़ाए हो उसको मन में रखो, इस टर्म का डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन जो भी आया उसको पावर से मल्टीप्लाई करो जो मन में रखा था, हो गया। तो हमने क्या किया, 6x प्लस 2 को रहने दिया, पावर 3 है तो 4, 4 को मन में रखा, इस चीज को डिफरेंशिएट किया, तो 2 का 0 6x का 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया 24, उसको बट्टे में लिखेंगे। तो इसका लैंग्वेज हो जाएगा क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखे, क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखे, क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखे, पावर एक बढ़ा दें, क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखना है, पावर एक बढ़ा दें, बढ़े हुए पावर को क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करें और बट्टे में लिखें और उसे बट्टे में लिखें। आइए इस लैंग्वेज को है हम समाधान क्वेश्चन के माध्यम से करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, है ना, जो भी रहे 5x प्लस 5 कुछ भी रहे, उसे क्या लेना देना। चलो क्वेश्चन को से बोला, क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखे, सेम टू सेम लिखो, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखे, लिख दिए, पावर एक बढ़ा दे, पावर यहां पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 को 1 से बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 2। अगर मान लो यहां पे 2 रहता तो यहां पे 3 कर देते, 3 रहता तो 4 कर देते। क्वेश्चन को सेम टू सेम लिखे, पावर एक बढ़ा दे, बढ़े हुए पावर को क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करें, जो पावर बढ़ गया है इसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करें। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर है, पावर मल्टीप्लाई में आता है, तो 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में पावर माइनस 1 6x, 5x का 5 और 5 का 0, यानी इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया 6x प्लस 5। तो बोल रहा था ना क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन के साथ मल्टीप्लाई करें बढ़े हुए पावर को, तो पावर कितना है 3 और डिफरेंशिएशन 6x प्लस 5 और उसे बट्टे में लिखे, हो गया आंसर, खत्म है कहानी, है ना। क्वेश्चन सेम टू सेम लिखे, पावर एक बढ़ा दे, बढ़े हुए पावर से क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करके बट्टे में लिखे, तो इसका डिफरेंशिएशन किए तो डिस का डिफरेंशिएशन हो गया 6x प्लस 5, है ना, 6x प्लस 5
अब पावर से मल्टीप्लाई कर दिए, हो गया। लो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 7x + 5 का पावर 3 dx, बोलो क्या होगा। तो क्वेश्चन सेम टू सेम लिखे, पावर एक बढ़ा दें, देख लो लैंग्वेज, क्वेश्चन सेम टू सेम लिखना है, पावर एक बढ़ा देना है। अब बढ़े हुए पावर के साथ इसके डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करके बट्टे में लिखे। तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 5 का 0, 7x का 7, और 7 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो 21, यहाँ c तो लिखना ही है क्योंकि प्लस ही लिखना जन्मजात लक्षण हो जाएगा। तो क्या है नियम, जब भी इनफाइनाइट टर्म्स पे, सोचो यहाँ से टर्म शुरू करके दिल्ली पहुँच जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन जो भी रहेगा सेम टू सेम लिखना, उस पर पावर एक बढ़ा देना। बढ़े हुए पावर में क्या करना, क्वेश्चन के डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई करना, पावर बढ़ा देना, क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना, पावर से मल्टीप्लाई करके बट्टे में लिख देना। क्लियर? चलिए अब हम लोग इस नतीजे पे पहुंच गए हैं, इस मुकाम पर आ गए हैं कि हम लोग इंटीग्रेशन सिंपल क्वेश्चन का है ना, फंक्शन के साथ कांस्टेंट का, सम और डिफरेंस में रहे फार्मूला उसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, लॉगरिथमिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और पावर फंक्शन का हम लोग आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत था, जो हम लोग सम इम्पोर्टेंट फार्मूले में 7 नंबर फार्मूला लिखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या था, एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, यानी अगर इंटीग्रेशन में किसी भी फंक्शन का पावर है, जैसे वाई का पावर 5 है डी वाई के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई टू द पावर 6/6, है ना, कुछ भी रहे, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 3, इंटीग्रेशन ऑफ टी के पावर 3 dt, तो क्या हो जाएगा, t 4/4, है ना। और एक एग्जांपल से हम चीजों को और समझाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जैसे क्वेश्चन ऐसा दे दिया a sin ωt dt, सिंपल क्या बोले थे, जो dt का जात रहेगा, dt का जात कौन है, साइन ओमेगा टी, टी से टी मिल गया तो ये dt का जात हो गया, तो ए कांस्टेंट हो गया, ये बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी dt का, सिंपल। dt का जात यही टर्म है क्योंकि इसमें t लगा हुआ है, ए नहीं है, ये बाहर कर लेंगे, तो ए साइन ओमेगा टी dt, साइन का इंटीग्रेशन सिंपल ध्यान रखना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, मतलब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर टी है तो टी, तो याद करो साइन 2t उसी प्रकार है ओमेगा टी, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ओमेगा टी को ओमेगा टी रहने देंगे, और जो ओमेगा टी है उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ओमेगा बट्टे में लिख देंगे, अब प्लस सी कर देंगे, हो गया इंटीग्रेशन। क्लियर? तो याद रखना जो यहाँ डी के साथ रहे ना, जैसे डी के साथ एक्स हो, डी के साथ वाई हो, डी के साथ टी हो, डी के साथ जेड हो, डी के साथ जो भी लिखा हुआ रहेगा ना, उसके बगल वाला उसी के जात का होना चाहिए। डी के सब बगल में डी के बाद एक्स है, यानी डी एक्स है तो इधर भी एक्स में होना चाहिए, टी में है तो टी में होना चाहिए, वाई में है तो वाई में होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन होगा। इसलिए डी टी का जात साइन ओमेगा टी है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा और ये बाहर निकल जाएगा कॉन्स्टेंट।
मतलब डी के साथ जो भी लिखा हुआ रहेगा ना, पूरा क्वेश्चन उसी के जैसा होना चाहिए। क्लियर, बात समझे? इसको समझ लीजिए, ए बार कर लिए, इंटीग्रेशन इसका करना है। तो जैसे साइन टू एक्स का होगा वैसे ही साइन ओमेगा टी का होगा। बताए ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन आदित्य और ट्रिक वन लिखो, सटाओ, बट्टे में करो डिफरेंशिएशन करके। तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस लिखो, लिखो मतलब पहले का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, सटाओ मतलब ओमेगा टी को सटाओ, और अब इसको डिफरेंशिएट करके बट्टे में करो। तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा, कैसे, 2x का 2, 3t का 3, ओमेगा टी का ओमेगा, बट्टे में कर देंगे ओमेगा को, सी लगा देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, पूरा लेक्चर देखने के बाद आपको ये होमवर्क बना लेना है, शुरू से देखना है। अब सिंपल कहें, अगर डिफरेंशिएशन आप पढ़ लिए ना, तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, सिर्फ उल्टा है इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। आपका डिफरेंशिएशन अच्छा है तो इंटीग्रेशन कुछ नहीं है। ये दो ही लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, इसके बाद अगला लेक्चर। क्लियर, फिर हम लोग वेक्टर का बात करेंगे या ग्राफिकल पोर्शन शुरू करेंगे। क्लियर, तो ये होमवर्क बना लीजिए। और दूसरा होमवर्क जो है आपका अपना ऐप आदित्याज फिजिक्स क्लासेस पे डाला जाएगा, अपलोड किया जाएगा, वो भी दो प्रकार का, एक में सिर्फ इंटीग्रेशन रहेगा आज के लेक्चर पे, और एक पर मिक्स रहेगा, पूरा डिफरेंशिएशन रहेगा और इंटीग्रेशन रहेगा। तो जब ऐप पे हम डाल देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो ऐप पर जाके असाइनमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, है ना। और उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आदित्याज फिजिक्स क्लासेस का जो ऐप है उसमें चैट बॉक्स है, वहाँ भी डॉट पूछ सकते हैं, या उसके लिए हम अलग से लेक्चर बना देंगे प्रॉब्लम डिस्कस का, कि कौन कौन में दिक्कत हुआ। ऐसे तो प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है मेरे पढ़ाने के बाद, ऐसा मैं सोचता हूँ, हो सकता है आप भी सोचे। तो अगर होमवर्क में कोई दिक्कत होगा तो एक छोटा सा लेक्चर हम अलग से बनाते चलेंगे, बस कॉमेंट कर देना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद, बना लीजिए।